आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी अगर आप डॉक्टर को विजिट करने जाती हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी के जो भी क्वेरीज रहती हैं उनसे पूछती हैं, और जनरल केसेस में आपकी दवाइयां ही कैरी फॉरवर्ड होती है या फिर अल्ट्रासाउंड के ऊपर बातें की जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं डॉक्टर से पूछना, और वो हमें समझ में नहीं आती है कि इसके बारे में पूछना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था, क्या डॉक्टर हंसेंगी, या कई बार तो बहुत सारी चीज़ें तो याद ही नहीं आती हैं, और जब अगर आप घर पहुँचते हैं तो आपको याद आता है कि ये काम क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में करने चाहिए, और कौन कौन से काम हैं जिसको आपको बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस मेमल केयर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो सवाल आती है मन में कि क्या हम बाद में प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा पेट नहीं दिख रहा है, बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते थे वैसे ही करेंगे, थोड़ी सी एहतियात बढ़ देते हैं। लेकिन ये जो थोड़ी सी एहतियात है कई बार वो लापरवाही में बदल जाती है, और लापरवाही अगर आपको थोड़ी सी भी किसी चीज़ की होती है तो उसका अंदेशा, उसका जो खामियाजा होता है आपको भुगतना पड़ सकता है। तो पहला तिमाही जो होता है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से पहला ट्राइमेस्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर की अपनी अहमियत है, अलग उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस टाइम पे मिसकैरेजेस होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपको हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। या आप बताओगे कि आपको सबको को लगेगा कि ये तो हमें सबको को पता है कि हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, लेकिन हेवी लिफ्टिंग का ये बिल्कुल भी मतलब होता है नहीं है कि आपको वेट उठाना है या फिर बाल्टी उठानी है। इसके बारे में जनरली लोगों को पता होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपड़े सुखाने के वक्त भी अगर आपके कपड़े गीले होते हैं बहुत ज़्यादा तो उनमें भी वेट होता है। तो आपको बहुत भारी भारी गीले कपड़े भी नहीं उठाने हैं, ताकि वो बाद में जाके आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो आपको गीले कपड़े बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं उठाना है, और कपड़े धोते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर वगैरह थोड़े से चौड़े में खुले हों। बहुत ज़्यादा उकड़ू बैठ के, बहुत ज़्यादा अपने पेट को दबाव दे के कोई भी कपड़े वगैरह धोने का काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जब सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं उस वक्त भी आप अपने स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल रख ले। ये बिल्कुल ना सोचे कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपके स्टेप्स जो हों बिल्कुल नॉर्मल। अगर आप चल रहे हैं तो अच्छी बात है, कूद कूद के या सीढ़ियों पे ऊपर जल्दी जल्दी चढ़ना भी आपके लिए सही नहीं होगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी अगर आप बाथरूम वगैरह जाती हैं उस टाइम पे अपने स्लीपर्स का आपको खास ख्याल रखना है कि आपके स्लीपर अच्छे ग्रिप वाले होने चाहिए, क्योंकि कई बार बाथरूम अगर आप जाते हैं नॉर्मल आपकी जो चप्पलें रहती हैं तो उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे आपको अच्छे ग्रिप वाली चप्पल ज़रूर पहननी चाहिए। बाथरूम में अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए कि आपको कहीं भी आपके पैर स्लिप वगैरह होने के चांसेस नहीं हो, और खाली पैर वगैरह चलने के भी स्टंट आपको नहीं करने हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं अगर नंगे पांव चलती हैं तो नंगे पांव में आपको फिसलन बहुत ज़्यादा फील होती है। तो अच्छे ग्रिप के आपको चप्पल पहनने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए, अभी से ही आपको हाई हील वगैरह छोड़ देनी चाहिए। वहीं पर अगर मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर आ गया, अब थोड़ा सा फ्री हो सकते हैं, फ्री इन द सेंस कि रिलेशन प्लान करने के लिए भी फ्री हो सकते हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए भी फ्री हो सकते हैं। तो जी हाँ, आप फ्री हो सकते हैं, लेकिन फ्रीनेस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप उसकी एक्सीडिंग आप कर दीजिए। आपको सडन किसी इन्वायरमेंट में चेंज आना या सडन अपनी बॉडी को एक्सर्शन देना आपकी प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं हो सकता है। तो कोशिश ये करिए कि लॉन्ग जो डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उससे आप थोड़ा सा बचिए। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आप लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जाना ज़रूरी है तो आप उसकी अदर मेथड भी इस्तेमाल करिए। बहुत सारे अदर वेज भी होते हैं, जैसे एयरवेज हुआ, या फिर आपको अगर ट्रेन पे भी जाना है तो उसके लिए प्री प्लानिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी अभी हेल्दी चल रही है या फिर नहीं चल रही है, या ऐसी कोई भी ज़रूरी बातें जो कि आपको ट्रेवलिंग के दौरान दिक्कतें हो सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से ग्रीन सिग्नल लेने के बाद ही आप आउट ऑफ द टाउन जाइए या बहुत लंबे डिस्टेंस को आप ट्रैवल करिए। छोटे छोटे अगर डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उतना आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो वर्किंग होती हैं, जिनको घर से बाहर जाना होता है तो उनके लिए ट्रैवलिंग करना ज़रूरी होता है। लेकिन वहीं पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात की जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है।
तो ऐसे केस में ये सारे काम को भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। कई बार बहुत सारी महिलाओं को ये लगता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद से ऑलमोस्ट 9 महीना कंप्लीट एक ईयर होता है, मतलब ईयर से थोड़ा कम होता है लेकिन आप एक ईयर लगभग समझ सकते हैं। अब ये दिमाग में आता है कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, पहले के जैसा बिहेव नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। आपकी प्रेगनेंसी एक अवस्था है, यानी कि आपकी ट्रांजिशन हो रही है, एक अवस्था हो रही है। इसको किसी रोग से कंपेयर आपको नहीं करना है कि आप एक रोगी हैं। आप नॉर्मल हर एक वो काम कर सकते हैं जो कि अदर लेडीज़ कर रही हैं, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। अगर आप प्रिकॉशंस बरतिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब रही काम की बात, तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप काम भी कर रहे हैं उससे भी आपके शरीर में स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हैं उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हैं, आपके शरीर में एक्स्ट्रा कोई भी वर्कआउट नहीं हो रही है, तो इससे होता क्या है कि आपका शरीर अच्छी तरह से नहीं थकता है, तो आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आती है। और रात में अगर आपको अच्छी नींद नहीं आएगी तो आप ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन या निगेटिव थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इतनी सारी खुल के सारी बातें डॉक्टर्स आपको नहीं बताती हैं। मुझे लगा कि एक प्रेगनेंट लेडीज़ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने डिटेल अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वहीं पर अगर और भी कामों की बात की जाए, जैसे कि किचन की, अगर काम की स्पेशली मैं बात करूं, तो किचन में क्या होता है कि अगर आप बहुत ही कम समय बिताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप रोटियां बना रहे हैं, तो रोटियां अगर बहुत ज़्यादा बनानी होती हैं तो ऐसे केस में आप थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक खड़े रहना आपके और आपके शिशु के लिए सही नहीं होगा। उससे आपके पैर में भी सूजन बढ़ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको 15 से 20 मिनट के बाद ज़रूर आराम करना चाहिए, चाहे आप कोई भी खाना बना रहे हो, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद आपको एक गैप ज़रूर लेना है। वहाँ पर आपको बैठना है, चाहे आप सोफे पे, ज़मीन पे, या फिर आप कभी भी आप थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लीजिए, ताकि आपके पैर में एक्स्ट्रा दबाव ना पड़े और आप कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़े रहना भी गर्भवती स्त्रियों के लिए सही नहीं होता है। तो आप टाइम टू टाइम चीज़ों को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आप बर्तन धो रहे हैं, तो बर्तन धोने में भी आपको मैं यही बोलूँगी कि लगातार लंबे समय तक बर्तन वगैरह ना धोएं। अगर मान लीजिए कि आपके साथ हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो आप सबसे पहले ये करिए कि जो कम कम बर्तन होते हैं, जैसे ही आपका मतलब 4 या 5 बर्तन गंदा हुआ, उसी टाइम पर आप उसे धो के अलग करके रख लीजिए। एक साथ ही बहुत सारे बर्तन जमाने की भूल बिल्कुल ना करिए, क्योंकि उस समय आप ये सोचिएगा, छोड़ो 2 बर्तन और हैं 4 बर्तन और हैं, इसको कर लेती हूँ फिर आराम करती हूँ। लेकिन ये जो मेंटालिटी होती है कि कर लेती हूँ फिर आराम करती हूँ, तो वो जो समय होता है वो काफ़ी लंबा खिंच जाता है और ये आपको पता ही नहीं चलता है, और ये कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मुसीबत पड़ सकती है। तो चाहे आप किसी भी ट्राइमेस्टर में हो, लंबे समय तक खड़े आपको नहीं होना है, चाहे रोटी सब्जी बनानी हो, खाना बनाना हो, कुछ भी चीज़ें करनी है, आपको 15 से 20 मिनट के बाद आराम ज़रूर करना है। आराम करने में आप क्या कर सकते हैं कि आप बैठ सकते हैं, एक गिलास पानी पी सकते हैं, या कोई जूस पी सकते हैं, या जो भी एक फल खा सकते हैं, या अगर इच्छा करती है तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए लेट भी आइए। क्योंकि अगर आपको ही सारे काम करने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपको ही करना है तो फिर आप सारे काम बिल्कुल एकदम फटाफट सब कुछ करने के बाद ही आप रेस्ट करो, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एटलीस्ट प्रेगनेंसी में आपको अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। वहीं पर कई बार जैसे झाड़ू पोछा की भी अगर बात आती है, तो ऐसे केस में क्या करें, तो झाड़ू भी लगाना मुझे लगता है कि 10 मिनट का काम होता है एक महिलाओं के लिए। तो 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम आप टाइम लीजिए, उसके बाद आप रेस्ट करिए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब दिमाग में आता है कि क्या हमें पोछा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, तो उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन पोछा लगाने की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी जारी है, आपकी डॉक्टर भी आपको ग्रीन सिग्नल दी हुई है कि आप कर सकती हैं, तो लंबे डंडे वाले जो मॉप आते हैं उनका आप उपयोग करिए। या फिर अगर आप झुक के लगाना चाहते हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, अनबैलेंस नहीं हो सकते हैं, सही लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, या फिर अगर स्पेशली अगर आप 9वें महीने में हैं, तो झाड़ू पोछा आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी होती है, आपके पेल्विक मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा
मसल्स रिलैक्स होंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बनेंगे। तो इसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन नटसेल में आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आप बिल्कुल झाड़ू पोछा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आराम आराम से, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में आराम करना, उतना ही ज़रूरी होता है काम करना, यानी कि दोनों चीज़ एक दूसरे के पूरक है। अगर आप काम नहीं करिएगा तो भी दिक्कत है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करिएगा तो भी दिक्कत है। तो आपको बैलेंस बना के चलना है, घर के लिए भी, बाहर के लिए भी, अगर आप वर्किंग हैं उस हिसाब से थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। जैसे ऑफिस का बहुत ज़्यादा वर्क है तो आप 10 से 15 मिनट के बाद थोड़े थोड़े देर पे, और लॉन्ग सिटिंग आपको नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन पे आप बैठे जा रहे हैं तो उससे भी आपके पैर की सूजन बढ़ सकती है। तो ऐसे केस में जो लेडीज़ वर्किंग है वो अपने डेस्क के नीचे एक थोड़ा सा एक पतली सी स्टूल जैसी आप लगा सकते हैं, या पैर रखने के लिए कोई एक स्पेस लगा सकते हैं जिससे कि आपका पैर थोड़ी ऊंचाई पे हो, जिससे कि आपको काम करने में भी कंफर्टेबल हो और आपके पैर की सूजन भी ज़्यादा ना बढ़े। और हर एक 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद आपको छोटी सी वॉक ज़रूर लेनी चाहिए। वॉक लेने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन आएगा, प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बनेगा, तो आपको काम करने में भी एनर्जी आएगी और आपकी प्रेगनेंसी आपके लिए मतलब तकलीफ देह नहीं हो सकती है। क्योंकि कई बार आपके पोस्चर अगर सही नहीं है, अगर आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, तो उसे आपको बैकएक हो सकती है, आपके गर्दन में भी दर्द हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए उपाय ये है कि अपने अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को अपने हिसाब से आप चलाइए। बहुत ज़्यादा ऐसे काम ना करिए जिससे कि आपको परेशानी हो, और ऐसे भी इतना ज़्यादा भी आराम ना करिए जिससे कि आपको जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो बनने वाले होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी जा रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो कई बार आपके लेस एक्टिविटी के भी वजह से डॉक्टर्स को सी सेक्शन कराना पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो ऐसे केस में आप सी सेक्शन से बच सकते हैं। और भी जानकारी अगर आपको चाहिए सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो आप मेरी वीडियोस को स्क्रॉल करके ज़रूर देखें। जो भी वीडियो पसंद आती है तो उस पर क्लिक करके वीडियो पूरी पूरी ज़रूर देखें। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सबको ज़रूरी जानकारी मिलनी चाहिए। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप मेरे पेज को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वेल केयर।